guys were requesting for a room tour video, so I thought why not just do it. So here I am with my room tour. It's a very simple basic room jisme sab kuch hai. I mean छोटे छोटे कॉर्नर्स मैंने बनाए हुए हैं, लाइक फॉर माई वर्क स्टेशन, माई वैनिटी एंड अदर स्टफ. वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ. सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो ये है वो डोर जहाँ से हम इस रूम में एंटर करते हैं. ये बेसिकली हमारे घर का जो डाइनिंग स्पेस है उसको कनेक्ट करता है. इसी के बगल में मम्मी पापा का भी रूम है. नाउ कमिंग अलोंग, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा मिरर लगाया हुआ है. आई थिंक ये 4x2 और समथिंग, मुझे अभी एग्जैक्ट इसके मेजरमेंट याद नहीं है, बट ये मैंने जाके अपने पास के ही मिरर वर्क जो करते हैं उन्हीं से बनवाया था, ये पर्टिकुलर फ्रेम के साथ, बिकॉज मुझे वाइट फ्रेम में ही चाहिए था. अमेजोन पे भी ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट अमेजोन से मंगाना या पेपर फ्राई वगैरह से मंगाना काफ़ी ट्रिकी रहता है, क्योंकि हमेशा जब भी मैंने मंगाया है तो हमेशा टूट जाता था. और तो मैंने सोचा कि मैं जाके अपने पास के स्टोर से ले लेती हूँ. उसके बाद उसी के साथ में मैंने ये एक छोटा सा कॉर्नर बनाया है जहाँ पे आई हैव केप्ट दिस स्मॉल वुडन ट्रे, और वुडन ट्रे के ऊपर बहुत सारे लाइक निक नैक चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि एक कैंडल रखी हुई है, देन पीछे मेरा मॉइस्चराइजर है जो मैं यूजली यूज़ करती हूँ, देन दीज आर ऑल दी बॉडी मिस्ट फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स. कुछ मॉइस्चराइजर हैं यहाँ पे भी, छोटू मोटू मॉइस्चराइजर हैं, एंड देन वी हैव दिस सैनिटाइजर, और ये सौंफ का डब्बा रखा हुआ है. मुझे खाने के बाद आई नीड दैट माउथ फ्रेशनर. उसी के नीचे जो पूफ है दैट इज़ फ्रॉम स्टोर 99. आई एम नॉट श्योर, बट ये नोएडा में DLF मॉल में है, बाकी नोएडा में कहाँ पे है मुझे वो नहीं पता है. देन उसी के साथ में मैंने ये प्लांट रखा हुआ है. दिस इज़ अ फेक प्लांट बेसिकली, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, और जो इसके नीचे पॉट है वो शायद मैंने जाके ख़रीदा था मार्केट से, और जो मार्बल्स हैं वो मेरे पापा ने अपने जो माली भैया आते हैं उनसे मंगाए थे. तो यहाँ पे ये छोटा सा कॉर्नर है, थोड़ा सा ग्रीन सा कॉर्नर मैंने इसको बनाया हुआ है. ओके, सो उसके बाद ये एक स्टडी टेबल है बेसिकली ऑफिसेस, बिकॉज अभी वर्क फ्रॉम होम हम लोग कर रहे हैं, तो आई थॉट दैट आई विल ऑर्डर अ गुड वर्क स्टेशन टेबल. बेसिकली ये प्रॉपर एक मैंने अपना वर्क स्टेशन बनाया हुआ है यहाँ पे. यहाँ से शुरू करते हैं. तो बेसिकली ये जितने भी शेल्फ हैं, वुडन शेल्फ हैं, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे. सो दीज वर प्रीटी इनएक्सपेंसिव, मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, बट डेफिनेटली आई एम गोना लिंक दीज. क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा. ये फ्रेम मैंने मिंत्रा से 4 फ्रेम मंगाए थे, एक यहाँ पे है, बाकी मेरे बेड के ऊपर लगे हुए हैं. 5 फ्रेम मंगाए थे इनफैक्ट. देन दिस इज अनदर लाइक अ शो पीस काइंड ऑफ थिंग. दिस इज फ्रॉम ब्रांड नेस्तासिया आई गेस, मैं लिंक कर दूंगी ब्रांड को. टू बी ऑनेस्ट, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, बट द थिंग इज दैट आई थिंक दीज आर अ लिटिल एक्सपेंसिव जितना हम प्राइस दे रहे हैं, बिकॉज ऐसा ही सेम मेरे को होम सेंटर में इतना बड़ा पीस था, वो शायद 1000 रुपीज में था, और ये 800 कुछ का है. देन उसी के साथ आई हैव दिस नेक्स्ट शेल्फ जिसपे मैंने ये छोटा सा ग्लास में फेक फ्लावर्स रखे हुए हैं, देन दिस इज अ फेक कैक्टस. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट शेल्फ है वो ये है, जिसमें आई एम नॉट अ रीडर, बट मेरे पास थोड़ी सी बुक्स हैं, ये बाकी तो सब कॉफी टेबल बुक्स हैं, बट अभी और कहीं जगह नहीं थी तो मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा. ये वाली बुक मैंने काफ़ी पढ़ ली है, आई वॉन्टेड टू लाइक अ रियली कम्प्लीट दिस बुक, बट वो भी कम्प्लीट नहीं हो पाई है मुझसे, बट एनी वे जो भी है. ओके, सो दिस इज माई वर्क स्टेशन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. सो बेसिकली आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर. सो दिस इज द कॉर्नर वेर आई कीप ऑल माई डायरीज, ये यूट्यूब के लिए मैं रखती हूँ, एंड इससे नीचे जो है मेरी ये वाली कुछ और बाकी स्टफ लिखने के लिए है. देन वी हैव दिस ऑफिस वाला, जो भी मैं चीज़ें लिखती हूँ वो सब इसमें है. आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल पर्सन, आई लाइक टू राइट अ लॉट. देन आई हैव दिस फेक प्लांट, उसके साथ में आई हैव दिस कैंडल फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स. देन दिस इज द मग विच आई गॉट, आई थिंक मेरे को तब जॉब स्टार्ट करे हुए शायद 2 ही साल हुए थे, तब मेरे प्रोजेक्ट में टीम ने दिया था ऑन दिवाली आई गेस. नन ऑफ अस इज एज स्ट्रांग एज ऑल ऑफ अस, इट्स अ रियली नाइस कोट एंड आई डू बिलीव इन दिस. Then I have this box kind of thing which is from Chumbak. This is a speaker, soundboard, very simple basic speaker, nothing too great about it, but ha, kaam chalau hai. Then I have, this is my office laptop and माउस ऐसे ही रखा रहता है. दिस इज़ माई पर्सनल लैपटॉप, आई ऑलवेज कीप दिस 1.5 लीटर का बॉटल, एंड आई मेक श्योर कि मैं इसको सुबह फुल कर दूँ, और एटलीस्ट और भी अगर दोबारा रिफिल नहीं कर पा रही हूँ तो एटलीस्ट ये पूरी बॉटल ख़त्म कर सकूँ. तो दिस इज़
this is what I keep on this table. Then we have two drawers. इसमें speaker नहीं sorry headphones रखे हुए हैं. Then I have another drawer जिसमें वही miscellaneous मेरे specs रखे हुए हैं, earphones रखे हुए हैं और बाकी भी कुछ कुछ चीजें हैं, cable wires and all that. This chair I got from I guess Pepperfry and this table is from Urban Ladder. No. I guess yeah, Urban Ladder. To be honest, I really like the quality of this table. I really, you know, like the overall look and feel of it. Generally, मुझे wooden, dark wooden colors में चीजें नहीं पसंद आती, but I really like this one. Okay, so study table के साथ में ही we have a window basically. तो window है, लेकिन I really like long curtains. तो मैं हमेशा मतलब हमारे पूरे घर में ही जहाँ पे भी windows हैं, हम वहाँ पे long curtain ही लगाते हैं. Now इस window के पीछे काफी सारी चीजें मैंने basically it's like a small mini स्टोररूम फॉर मी. इसके पीछे रिंग लाइट है, ट्राइपॉड है, योगा मैट है, जो भी चीजें मुझे डिस्प्ले में नहीं रखनी होती वो सब इसके पीछे जाती है. ओके, तो उसी के साथ नाउ दिस इज द कबर्ड आई हैव. बेसिकली दिस इज नॉट इनफ फॉर मी, ऑब्वियसली आई हैव लॉट ऑफ स्टफ. मेरे मम्मी पापा के रूम में देयर इज वन स्टोर रूम, बेसिकली अ कनेक्टेड रूम जिसमें बहुत बड़ी सी अलमेरा है. वहां पे मैं अपनी बहुत सारी चीजें रखती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द अलमेरा जो कि मैं जो भी मेरे कपड़े होते हैं जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ या फिर उस सीजन के जो भी कपड़े होते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ. नाउ ये मैंने बहुत बार बताया कि मुझे इसका कलर बिल्कुल पसंद नहीं है. आई वॉन्टेड इट टू बी लाइक व्हाइट और समथिंग, बट ठीक है, वॉट एवर इट इज. नाउ दिस इज द डोर फॉर वॉशरूम. आई एम नॉट गोना शो यू वॉशरूम एज वेल. कबर्ड भी आज नहीं दिखाएंगे. आई मीन दो मेरी कबर्ड मोस्टली लाइक 99% हमेशा ऑर्गेनाइज ही रहती है, बट आई डोंट वॉन्ट टू शो यू बिकॉज ऐसा कुछ डिटेल नहीं है. इट्स अ सिंपल बेसिक कबर्ड, यू नो, तो आई डोंट नो. ओके, सो दिस इज द वॉशरूम एंड उसी के साथ में आई हैव दिस लैडर काइंड ऑफ थिंग बेसिकली. नाउ टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इसको खरीदा था, लेट मी फर्स्ट सिट डाउन. सो जब मैंने इसको खरीदा था तो मैंने इस पे बहुत सारे शो पीसेज और ये सब रखे थे, बट देन बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार इसको यूटिलाइज करने के और भी तरीके हो सकते हैं, तो आई थॉट कि वाई नॉट लेट जस्ट यूज इट एज अ, it's not a shoe rack basically, but yes, all the nice pieces I have displayed them here. Now, if you see on the top shelf, I have this fake plant. This is a tea light holder, जिसमें अभी कोई tea light नहीं है. This is a fake plant from IKEA. This is another candle from Ikum. Really love these. Then this is next shelf where I have my bags like small purses, जो कि कभी यू नो मार्केट भी जाना होता है छोटे मोटे, मतलब ये वो है जो मैं रेगुलरली निकालती रहती हूँ. देन राइट बिलो आई हैव माई हील्स और उसके नीचे भी एक्चुअली हील्स ही हैं, तो नथिंग आई वॉन्ट टू मैंशन अलग से, बट येस दिस इज द लाइक अ लैडर काइंड ऑफ थिंग विच आई गॉट फ्रॉम एमेजोन. मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, बट अगेन मुझे ये लगता है कि अगर शायद मैं इसको जाके किसी मार्केट से खुद लेती तो शायद थोड़ा सा सस्ती पड़ती, बट ठीक है. आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज. ओके, सो right between our room we have this bed. ये basically मेरे पापा ने customize बनवाया था, though this is a queen size bed. बहुत ही basic सा bed है, इसमें कुछ भी ऐसा special नहीं है, but yes सारे Indian घरों में जैसा होता है a storage box is mandatory when you are buying a new bed. तो this is the bed I have. Bedding जो है इसकी आई थिंक होम सेंटर से, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ये मैंने जाके ली थी तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कहाँ से ली थी, बट आई एम प्रिटी श्योर DLF में बेसमेंट में आई थिंक होम सेंटर ही है. येस, तो ये बेडिंग मैंने होम सेंटर से ली थी. नाउ दिस दिस इज लाइक अ एसी, इट्स नॉट अ क्विल्ट बेसिकली, बट येस एसी में अगर आपको बहुत ज्यादा यू नो हैवी मटीरियल का ओढ़ने के लिए नहीं पसंद है देन दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन. दिस इज लाइक 100% कॉटन का बना हुआ है विच इज रियली नाइस. नाउ बेड के ऊपर जो आप लोगों को चार फ्रेम दिख रहे हैं उसी का पार्ट था वो दूसरा वाला फ्रेम जो मैंने उस साइड में दिखाया था. नाउ दीज आर दी फ्रेम्स आई हैव, आई ऑर्डर दीज फ्रॉम मिंत्रा. मुझे इनके कोड्स बहुत अच्छे लगे. अगर इनकी क्वालिटी की बात करें तो आई विल से कि क्वालिटी बहुत ज्यादा यू नो बहुत अच्छी भी नहीं है, बट येस इट्स स्टिल बेटर फ्रॉम दी वंस जो कि मैंने बहुत पहले ऑर्डर किए थे, जिनमें लिटरली कोई इस पर एटलीस्ट ना ग्लास नहीं है, बट स्टिल एक शीट है जो कि इसको कवर कर रही है. पहले जो लिए थे उनका पेपर ऐसे आप हाथ पकड़ के निकाल सकते थे, मतलब इतना गंदी क्वालिटी थी उनकी. बेड के साथ में ही आई हैव केप्ट दिस लैम्प. दिस इज अ रियली नाइस परचेज, मतलब अगर मैं अपने रूम की
जितनी भी चीजें मैंने नई खरीदी थी उनमें से सबसे ज्यादा खुश हूँ वो एक तो स्टडी टेबल से और एक ये लैम्प से. दिस इज अ रियली नाइस परचेज और मुझे लगता है कम्प्लीटली वर्थ इट भी है. जो वुड होती है जो इस टोन में होती है थोड़ा ऑरेंजिश टोन में, मुझे वो वैसे भी काफी अच्छी लगती है. नाउ दिस आई गॉट फ्रॉम अमेजोन. आईकिया का फेक प्लांट है, नीचे आई थिंक स्टोर 99 से कुछ है. एंड दिस इज अ गिफ्ट आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांड जिसके साथ मैंने कोलैबोरेट किया था. तो दिस इज द लैम्प. इट्स अ रियली नाइस थोड़ा सा वार्म लाइट अगर आपको पसंद है देन आई वुड हाईली रिकमेंड दिस पर्टिकुलर लैम्प. ओके सो लैम्प के ही साथ में थोड़ा सा एंगल गाइज एडजस्ट कर लेना बिकॉज इतना बड़ा रूम नहीं है कि मैं आपको एकदम फुल व्यू दे पाऊँ. बट एनी वे सो दिस इज द शेल्फ. बेसिकली इट्स अ बुक शेल्फ बट मैंने इसको अपने पर्स और फुटवेयर सैंडल्स हील्स रखने के लिए यूज कर रही हूँ मैं इसको. नाउ दिस वन आई गॉट फ्रॉम आई गेस पेपरफ्राई. द क्वालिटी ऑफ दिस वन इज ग्रेट. आई मीन इट्स Yeah, it's great. And उसके बाद I have kept all my purses here. और थोड़ा सा मैंने इसको color coordinate करने की कोशिश किया. Like यहाँ पे black है और उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरे को न्यूट्रल टोन दिखा वो मैंने रख दिए. देन नीचे आप देख रहे हो रेड वाला है एंड उसके नीचे बाकी दो बैग्स हैं, बड़े बैग्स हैं और कहीं नहीं आ रहे थे. नाउ ये लाइट्स मैंने इसमें लगाई हुई हैं. दीज आर द लाइट्स विच आर लाइक मतलब आप बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स हैं तो आपको इनको कहीं कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट टू बी ऑनेस्ट द क्वालिटी ऑफ दीज वंस आर पथेटिक. आई वुड नेवर रिकमेंड एनी वन टू बाय दीज. आई डोंट नो इनका ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन अच्छा अवेलेबल है कि नहीं है बट एटलीस्ट मैं ये तो नहीं रिकमेंड करूँगी. ये बहुत बार नीचे गिर चुकी है, मैं इसको हर बार यू नो जैसे तैसे करके वापस लगा देती हूँ. So yeah, these are the, like this is my favorite corner in this room because ये मुझे काफी aesthetically pleasing लगता है अपने room में. Okay guys, so this is the vanity जो कि आप लोगों ने already मेरी vanity tour video में देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो I'm gonna link that video here right on the I button. आप जाके वो videos देखिएगा इस video के बाद. Now यहाँ पे सबसे starting में I have kept this tray where I have kept all my perfumes. परफ्यूम्स के साथ में आई हैव अनदर लाइक ऑर्गेनाइजर जहाँ पे मैंने अपने ब्रशेस रखे हुए हैं. राइट विथ माई ब्रशेस आई हैव दिस कैंडल फ्रॉम एकम ब्रांड एंड उसी के साथ में ये ऑर्गेनाइजर भी मैंने सेम स्टोर से खरीदा था जहाँ से मैंने ये इंस्टाग्राम स्टोर से बेसिकली लिए थे. ये दोनों ऑर्गेनाइजर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर लिए थे, ये दो उसी के पार्ट थे. यहाँ पे आई एम कीपिंग ऑल माई आई शेडो पैलेट्स. इट्स वेरी कन्वीनियंट टू सी ऑल दीज पैलेट्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी और वैनिटी के ऊपर रखा होगा थोड़ा सा अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए इसको ऐसे रख दिया है. नाउ वैनिटी के अंदर का आई थिंक आई जस्ट give you a sneak peek. Right now the vanity is not that organized because I have got few new stuff Becca से. तो अभी मैंने इसको ऐसे ही रख दिया because I wanted to do a haul first and उसके बाद मैं इसको थोड़ा organize करना चाहती थी. तो यहाँ पे मेरे सारे मेकअप का चीजें रखी हुई है एंड देन दिस इज अनदर ड्रॉअर वेयर आई कीप ऑल माई अदर स्टफ लाइक माई नेल पेंट्स, माई फेस मास्क एंड ऑल दैट स्टफ. And right below that is my favorite drawer, जो कि मैंने last video में बताया था. This is the drawer of all the accessories I have, my watches, my shades, everything. जब भी ये drawer मैं बंद करती हूँ तो ये हमेशा shade थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं तो मुझे हमेशा इनको adjust करना पड़ता है. Not हमेशा but yes, I have to be either careful होना पड़ता है. Last is the drawer where I keep all my my electronics. And again some random stuff, but yeah, mostly electronics, camera, tripod और ये सब चीज़ें इसी वाले drawer में होती हैं. These knobs ये मैंने अलग से खरीदे हैं, ये इस drawer के साथ नहीं आए थे. ये मैंने drawer Amazon से ली है. Again not that good quality to be honest, but yes I think it's solving my purpose for now. So yeah. So guys, just to give you the whole look of room in one go, let me just give you a quick like a look. So this is the mirror which I talked about. Uske saath mein hi I have kept my study table. Right there I have my almirah. Then this is a small shelf which I talked about. My bed, queen size bed, and we have this lamp, and then we have this corner where I keep all my purses, and this is the vanity area we have.
And right there we have another rug. I really like this one because एक तो ये बहुत ही पतला है और ये बिल्कुल भी like slip नहीं होता है, पैरों में नहीं उलझता है, और जो मेरी chair है वहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर भी ले जाना चाहूँ तो वो आराम से चली जाती है. So I really like it for that purpose. So guys, that's it for this video. I hope कि आपको ये room tour पसंद आया होगा. And अगर आपको पसंद है then do let me know in the comment section आपको इस video में क्या अच्छा लगा. Now I'm gonna see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Love ya.